किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पर मंडी लगाकर सरकार से कानून को वापस लेने की मांग की है। रालोद नेताओं ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासन के नाकेबंदी को धता बताते हुए पीछे के गेट से जाकर डीएम ऑफिस पर सांकेतिक मंडी लगा दी और सब्जी अनाज बेचकर प्रदर्शन किया। रालोद ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर राष्ट्रपति से कानून को सरकार से वापस करवाने की मांग की। जिलाध्यक्ष आसिफ गाजी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने किसान विरोधी कानून बनाकर किसानों को ठगने का काम किया है और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एमएसपी के से कम रेट पर बेचने वालों के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया है। आसिफ गाजी ने कहा कि मोदी सरकार ने अच्छे दिन का वायदा कर किसानों के साथ धोखा किया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि किसान को धर्म जाति की राजनीति से निकलकर सरकार को जगाने के लिए एकजुट होना होगा और भारतीय जनता पार्टी को भगाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मंडी लगाकर हमने किसानों की दुर्दशा बताने की कोशिश की है ताकि सरकार जाग सके। पूर्व विधायक दिलनवाज खान ने कहा कि किसानों के दम पर सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज किसानों के खिलाफ कानून बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कानून वापस नहीं लिए तो किसान आंदोलन करेंगे। रालोद नेता एडवोकेट जियाउर रहमान ने कहा कि किसानों के खिलाफ कानून बनाकर मोदी सरकार ने किसान विरोधी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जातियों में बटे किसान को भारतीय जनता पार्टी की मंशा समझनी होगी और गांव-गांव शहर-शहर भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करना होगा। बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट, एनबीसी न्यूज के लिए।